मेरे प्रिय सज्जना, एकदम से भीम से कह लो मैया मुझे मालूम पड़ेगा तू रो रही है। कंती मैया कह लगी बेटा मैं काहे रो रही, मुझे तो चेहरा दिख रहा और वासे को मौत दिख जाता, तू रो रही है काहे को रो रही है, का बात का परेशानी है, उतने खाना क्यों ना बनाओ। एकदम से भीमसेन क्या बोले मैया बात बता दे। जनन ही देव सही रे बताई, कैसे आखिल में आंसू हुए मैया, ए ताक दियो मेरे बतलाई, नैन मिलाए होए काऊ तो समाना में मैया मुझे बता दे, अगर काऊ दुश्मन ने नैन मिलाए हो तो सुनो बाकी आखिर भूले वो करवाई, उंगली उठाई हुए कऊ पापिया ने, पाके हाथ भूले वो कटवाई, पाऊ बेटा तेरे जिंदे बिना बीटा कौन तो दौरे सताई, जल्दी बताए दे आप भीमा की भोजा रही सनाई, फूल के पानी आज बेटा की, मेरे महाराज रे रोए रोए के मैया का बता दे, किसने अगर उंगली उठाई हो तो हाथ को कटवा दूंगा, नैन चलाए हो तो नैनों को निकलवा लूंगा, बता क्या बात है। एकदम से कह लगी बेटा ऐसी कोई बात ना, ना 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 मां बताओ क्या बात। कहने लगी अगर बात पूरी करेगा तो जी कर सकत हो, कहा बोली जब जिद पड़ जाता है भीमसेन तो बेटा और कछु बात ना, थोड़ी सी बात है, ए मैं तो पांच पुत्र की मात, भीमसेन कह रहा पांच पुत्र की बात है तो कहा तो और कितने होते हैं। कहने लगे बेटा सुन, हे मैं तो पांच पुत्र की मात, गंधारे ने मैया सोने की, कहने लगी बेटा मैं पांच है तुम गंधारिन के सोए, तो कहने लगे बेहू तो भैया है हमारे का बात है। कहने लगी बेटा आज मैं गंधारिन ऐसे बोल बोले जिगर में बात खटक गई है, आज गणेश चौथ है लाला, आज के दिन मट्टी का गज बनवा करके चौक में पूछता है, उसके सौ बेटा हैं, वो तो हाल ले आएंगे गज बनवा करके पुजवा देंगे। और सुन बेटा तुम पांच गोंदा बेटा लावेंगे, क्या बात है बीरन हरियो, आए तुम पांच गोंदा बेटा लावेंगे, गंधारे ने मैया सोने की,
और सुन मेरे लाल, ये बात है बेटा, आए भीमसेन कह लो मैया इतनी सी बात है बस। तू एक गज की कह रही है, माटी के में 100 गज बनाए देते पुजवाए दे, क्यों घबराते है? और क्या कह रहो, तुम चिंता छोड़ो हो जिगर की मैया, ए तुम चिंता छोड़ो हो जिगर की, भैया कहा करो भीम ने, आहा एक ताला वो बामे पहुंच गो पोखरिया में, और इतनी माटी यहाँ फेंक दई, और है आकाश में है के चौक में माटी पे माटी गिर रही। आहा गंदारे कहे लगी अपने बेटन से, ओ भाई ओ बेटा फ्री हो तो अपने भैया ने अंदर महलन में ले जा, मुझे लग रही है आकाश से माटी आ रही, आज तो कोई दब के मन नहीं जाए बेटा, अंदर है जाऊ। आहा इतनी माटी कर दी, कहने लगा मैया ले गज बना ले तेरी इच्छा जितनी पूज ले, तो तुम जानते हो कि हर काल की आदत है कि उंगली पकड़ के पहुंचो पकड़ पे। एकदम से मैया सुनती कहने लगी, बेटा ओ बेटा भीम देख माटी को तो खेरे हर कोई पूजे और पूजी देंगे हम, लेकिन एक बात है जाए तो मेरी आहा कलंगी बन जाए, मैं कागुए ना बोलन रहूं, मेरी बात शांत रह जाएगी। कौन सी कहा कह रही मैया कुंती भीमते, आए ऐरा पते पूजी जाई चौक में बेटा, अगर ऐरा पते इंद्र बाप पूज जाए तो बेटा मेरी बात बन बन कर रह जाए। विमर्शन कर लगो मैया कई को घूमने की प्यासी तो नहीं, क्यों मरवाए फिर रही है तू हमें, अरे खूनी हाथी है वो, मैं जावा थे नहीं माने, पते पूजी जाई तो कमे, क्या बात है तो पड़ी क्या करे नहीं मैं तो बात गंदारे ने मैया सोने की, प्रकार से कह लगी बेटा अगर इंद्र बाप ऐरा पति आ जाए तो मैं शान रह जाए। ओहो भैया तुम जानते ही हैं, कह जा जीवन है बहुतने को नाश कराए दो भैया हरियो, अगर गंधारने से बोल ना बोलती आहा तो ये इतनी रार ना बढ़ती, और देख किने किने को नाश कराए दो जा जीव में, जा जीव में रसे जई में बिसे, जाजी वही ने सुपन का देखो करवाए दई धड़ में नकटी, जाजी वही ने राम बनवास दयो के कई बन गई बैरन कपटी, कहेगी जीव ना चली होती 14 वर्ष बन के लिए ना जाते, जीव का पाजे भला बुरा का पाजे लो पढ़ाई और लपटी, जीव ते मान सम्मान मिले करवा
सजनों जिद पड़ जाती है मैया। और क्या के अहिके तो काटत कटे, यानी सर्प काटेगा जब ही जहर चढ़ेगा, लेकिन नारी की बोली गोली से बढ़कर काम करते भैया। अहिके तो काटत कटे जे चितवत चढ़ जाई, कहावाल में कि मैंने वैसे ही दूध पिवाओ कायर मैंने जने अपनी कूद से, मुझे कहा वाले में कि बिल्कुल ही कायर है तुम। हाँ हाँ मैया की बात है डाल लो। आहा वीर था छत्री था भैया, एकदम से गदा उठा ली कह लो माँ ऐसी बात ना कर, मर क्यों ना जाऊं लेकिन बात तेरी अवश्य पूरी करूंगा। मैया कहने लगी आएगो आएगो तक में आएगो भैया। भैया सुन मैया के वचन भीम कह आग तो लगी गई है, भैया सुन मैया के वचन भीम कह आग तो लगी गई है, लेकिन हटन लगो सोचन लगो आए खूनी हाथ ये छोड़ेगो नहीं वो इंद्र को। और एकदम से कह लग मैया को बात ना कई कुत्ती अपन कई मांस खावे डोल लगी हो, कहा बोलो एरावत हाथी की मैया मत थाने ठान मही पे लाइवो समझ लो जननी क्या आसान। अरे जमीन पे लाना बहुत कठिन है मैया मान जा। आहा अब तो मैया और ताय ने देन लगी कहा कह रही अरे सूरा पीरा हो कर मेरे बेटा मेरे दूध हला जावेगो, हाँ कर ले मेरे लाल पार देखी बोई लगावेगो। आते तो मेरे तू आता ही नहीं तो भी बढ़िया था, होते ही मैं मर जाते तो बढ़िया। आ छत्री घर ले चलना फेरी ते गन पे डरो भागो कायर, आ सात साखी में ओ मेरे बेटा धब्बा लगी जाएगो। घर जन्म लेकर के तेवा से डरता है, धन्य तो जैसे कायर के लिए तलकी ओढ़े जाए धजी धजी पर बेटा, शत्रुओं का यह काम होता है तलकी ओढ़े जाए धजी धजी पर होटल का दे दो आकर ले मेरे लाल पारा देगी लगी है मैया मोर का मालूम है कायर में जने भीमस ने कह लगो तू कायर ही समझ पर हूं ना आयरो बात ने तब तक का भयो भैया। अर्जुन भीवा आ गया
भूमत सिंह समान कंधों पर है बन रहे तरक समान निशान। तब तक घूमत घूमत अर्जुन आएगा कि चलो आज त्योहारो मैया ने खाना पीने बनाया बोला खाना खाया सो भीमसर ने देखो कलो आ जा भैया तू खा ले आ जा मैया ने बड़े पकवान बनाए। जैसे अर्जुन आयो तो मैया तो रोई रही सो अर्जुन बोलो कि ए भीम मैया खाए के लिए रो रही तू क्यों रोवाए रोवे बाकी इच्छा पूरी नहीं कर सके। सब भीमसेन कह लगो भैया अर्जुन ऐसा करो तो मैं तो जा रहा हूँ तू खूब खाना खा ले और मैया कहता है तू पूरी कर दे और ई ना बताओ मैया मन तो घर डोल रही है। तो एकदम से अर्जुन बोलो कहा मैया ए आज काई को रोवती है मैया आज क्यों रोवती है मैया तेरे पांच जीवत बने आज क्यों रोवती है मैया आज क्यों रोवती है मैया। आज क्यों आज करो वते मैया कहलो मैया ते पांच पांच बेटा वीर जिंदी है तू रोए काय के ले रही है ए? तो भीमे से पूछिए तू बता मैया तो ना बता रही तू बता क्यों रो रही है। तो भीमे से ने बोलो मैया तो जो माले बनाने मानसो ने कलयुग करवाई फिर रही है वो कैसे मैंने माटी कठी कर दई अब माटी को कजुना पूज रही थी चौक में अब न्यो कहते है तो मैं शान तब रहेगी इंद्रवाई खूनी हाथी हेरा बतेलिया पुजवाई भी काज। अर्जुन भी वीर था कहे लगा मैया चिंता मत करे माँ अवई तो हाथी मैया सोरगा से उतारे वो वही तो आती मैया स्वर्ग से उतारे वो ए अपनापुर के चौक में मैया तो पे पुजवावे वो अपनापुर के चौक में मैया तो पे पुजवावे वो चिंता मत करे मैया स्वर्ग न सैनी दारू कहे यो पार तसो छैया आज क्यों रोवते मैया तेरे पांच जीवत बने आज क्यों रोवते मैया आज क्यों रोवते मैया आज क्यों रोवते मैया तेरे पांच जीवत बने आज क्यों रोवते मैया आज क्यों रोवते मैया आज क्यों रोवते मैया। एकदम से अर्जुन कहने लगे मैया चिंता मत करो स्वर्ग नशेली बना दूंगा बाणों से और एरापति की गहरी एरापति पूजे आज धन्य कहा करो इंद्र अर्जुन ने भैया इंद्र के लिए कहा करने लगो एक लियो पात्र बनवाई बाण ते भाई बाण में पत्र लिख के बांध लो अर्जुन ने वो कहा कर रो ए तारे तरह कसा के भी तारे दयो वे चलाई पत बांध करके आज बाण छोड़ा है कहां पहुंचो महाराज पहुंच गए हो इंद्रपुरी में जाई गोली पात्र आज पढ़ो रे इंद्र ने मन में गौ घबराई आहा
ने पत्र खोल के देखो आए है, अर्जुन की मोहर ठुक रही है, उसमें लिख रही एरा पद हाथी को छोड़ दे, मेरा भाई भीम लेने के लिए आ रहा है। सुन के एरा पद की बात सब हमें भप्पर पर गो वे, सुन के एरा पद की बात सब हमें भप्पर पर गो वे। जैसे पत्र खोल के पढ़ो सभा, आहा एकदम से सस्पेंड हो जाती है, भैया खूनी हाथी है जाए छोड़ेगा को। आज बाणों की नशेनी बना करके आज भैया बताते हैं भीम को चढ़ा दिया है, और भीमसेन पहुंच जाता है एरावत हाथी को लेने के लिए और कहने लगा छोड़ दे मैं आ गया। भैया तो भीमसेन जब चढ़ो है बाणन पे तो का है रो, आहा डगमग हिलन लगे भीमसेन के लो, हैयागा टूट नहीं गो तो हड्डी का शरम हाल बन जागो। आज मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं क्या हुआ है, इंद्र कहे लगो को छोड़ेगो जाए, मंत्रीगढ़ हते कह लगे हमन पे ना कछु इंतजाम हत, भैया हाल ही लेड़ा रहे गोरा पद खूनी हाथी है। भीमसेन कहला छोड़ दो मैं हतु, इंद्र कहरो मंत्री ते कह सो कर अचक पीछे के जो पैर बंधो है खूंटी ते वा अचक छोड़या बुझे है तो अब भाग जाओ। का करो भैया ए साकर काट दई हाथी की, हाथी भरो रोस में जाए, आ मारे चिंगारी बड़े आगे तू पर भीमा पे पड़ो है अराय, आ सुड़ लपेटा भरे भीमा ने, सुड़ लपेटा भरे भीमा को पंचो ऊपर लियो उठाए, ऐसो धर मारो धरती पे तन को उतरयो कछुनाए। हाथी में युद्ध होने लगा, भैया बहु कम नहीं हटो एरा पर, और भीम शेर शेरों की युद्ध लड़ाई हो रही। तब भीमा ने पंच सूढ़ी पकड़ ले जाए, झटका मारो तब भीमा ने हाथी ऊपर लियो उठाए, पचीटा दो धरती पे पंचो सुनियो ध्यान लगा, ऐसो धर मारो वे धरती पे मोहड़ो पुसो जमीन में जा, घोटू धर दो नारे के ऊपर बबो कान हिलावत ना, बापर पर गो हरिय सवा में पंचो सुनियो ध्यान लगाए, इंद्र वागो सिंहासन ते पंचो पटके खाए गो चार, सूर पकर के तोनो भीमा ने एरा पत को चलो लेवा, इंद्र बोलो ले जा भैया ले जा जा तू चलो जगा, इंद्र बोलो अब मत लइयो पूजा जंगल छोड़ियो जाए। आज भैया दोनों में युद्ध हुआ एरापत भीम में, लेकिन भीम पे इतना बसियाई आहा सूड पकड़ लियो चकी दबाई लो, अब ना कान हिलाए रो भी एरापत हाथी। इंद्र कह रो भैया बू पर कमे ना हाथो जान तो भैया जाते तो कुछ कहू ना रो एरापत जान तो दबाई लो, और कह लो इंद्र भैया आवा जाए ले जाए को जंगल में छोड़ दी यहां को मत ले जाए। आहा हुआ क्या है मेरे प्रिय सज्जनों, भीमसेन कह लो इंद्र ऐसा कर ले सुन अब ना जी बोल लो काउ के, अरे राजा रे हाथो फेराए ले, इंद्र आजा दांतन से हरा ले, अब नहीं बोले कुछ काऊ से, इंद्र नाक रखे में आया रहो ये ले जा तू ले जा अपने
श्रोता बंधुओ इंद्र कहने लगो ले जा भैया मुझे कछु में तलब ना जाते। अब तो भीमसेन और ऐरावत हाथी दोनों जब बाणने के पुल पे आए रहे तो भीमसेन सोच लो जब बालंग ते मैं अकेला हो वही तो मोस हो जाए कहूं अब टूट गो एक बाण तो ना बचे का भाव बाणनी को पुल पीछे कति जावे भीमा नीचे को उतरती आवे अर्जुन देख रहे कि भैया आयो ना तब तक तो नजर पड़ गो एरा पति अपना पर चौक में ले आओ दुकानदार ने और जल गई भैया जानता हूँ अपनी बात पक्की कर ली मैं बोले लायक ना रही तो कह गए रही पहले भोजा यार अर्जुन की पूजा मैया कहने लगी भैया अर्जुन की भोजा पूजो सफिया कह रही अर्जुन क्यों पूजे लायो तो भीमसेन जाए कहने लगी करामा तो मंत्र जो नहीं पढ़ो जान तो प्रकार से मेरे प्रिय सज्जनों हस्तनापुर के चौक में खुशियां छा रही है हुआ क्या है गंधारन जल जाती है सौ बेटन दे गारी दे रही हत्यारे तो बीजनी ना पड़ी सौ सौ है के वे पांच होते हुए भीमसेन ने आहा ऐरावत को जवाय दो और खुशियां हो रही है हस्तनापुर कुंती के चौक में हुआ क्या गज पूजे कुंती मात नगर खुशिया वाली गज पूजे कुंती मात नगर खुशिया वाली सखिया कुंती खुश है और हुआ क्या आज गाव सखी गज हतनापुर चौक पूजे आज गाव सखी गज हतनापुर चौक पूजे कह रही मई बहना गाओ गाओ मैया कुंती मन हरसावे पांच बेटन गले लगावे और क्या मनवारी खुशी गजहतनापुर चौक पूजे अज गाव सगी गजहतनापुर चौक पूजे अज गाव सगी गजहतनापुर चौक पूजे नरेश सिंहरे जब हमारो भैया नाम चले पहचान भैया जो दिवसरी वाले बीरना ढोल कर ये बजाए मोहना परसरा में बीरना जो बैठे चमटा मटुका रही बजाए